नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो ये बात तो आप सभी को पता चल गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी दो दो दिवसीय दौरे के दौरान रूस और ऑस्ट्रिया गए हैं। तो रूस का सफर प्रधानमंत्री मोदी का समाप्त हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया गए हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब रूस से वापस जा रहे थे तो उनको एक बहुत बड़ा वहाँ पर सम्मान मिला, एक बहुत बड़ा वहाँ पर उनको एक अवार्ड मिला। तो आप एक आर्टिकल देखिए, पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो इस अवार्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हुए बताऊं तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। रूस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है ये। तो रूस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान तो प्रधानमंत्री मोदी को मिला ही, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और भारत के अच्छे संबंध के लिए भी काफ़ी सारी बातचीत कही, वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी कि किस तरीके से हमारा और आपका संबंध बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है, जिससे हमारे और आपके देश का भी विकास होएगा ही। जिसके बाद जब ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने और पूरे भारतीयों की तरफ से उनको बधाई दी कि आपने मतलब जो हमारा संबंध है और बेहतर तरीके से बनेगा और हम और बेहतर दोस्त बनेंगे एक तरीके से। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जो है ऑस्ट्रिया के लिए भी रवाना हो चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी लगभग पहुंच ही चुके हैं, मतलब अब जब तक का वीडियो देखोगे तब तक का प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब रूस में थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे और आपके बीच पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत भी है, ताकि हम सही दिशा में और बेहतर तरीके से काम कर सकें। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पर भी देखते हैं किस तरह की बातचीत रहती है प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ के राष्ट्रपति के साथ में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो दोनों देशों में गए हैं ऑस्ट्रिया और रूस में, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इनसे अच्छे संबंध के बाद हमारे भारत का और ज़्यादा विकास होगा? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।